मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में कोरोना आपदा के दौर में जिला प्रशासन के आंकड़ों से भले ही मैल ना खा रहे हो, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि मृतकों के परिजन देह संस्कार के बाद कई मृतकों की अस्थियों को भूल गए हैं, जिनका आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच रहा है। और इस आंकड़े को लेकर अस्थियों का अंबार के बारे में पड़ताल की तो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र के सर्व सुविधा युक्त पंचकुइया मुक्तिधाम में इन दिनों मृतकों की अस्थियों का अंबार सा लगा हुआ है। मृतकों के परिजनों को बीमारी का डर है तो कोई पारिवारिक विवाद के चलते अस्थियां नहीं लेकर जा रहा है। इसी कारण से मुक्तिधाम में बने अस्थि संख्या ग्राम में थैलियों में सैकड़ों की संख्या में अस्थियों के फूल टांगे हुए हैं, जहां पर इन दिनों दिन पर दिन अस्थियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और अस्थियों के ग्रह की देखभाल करने वाले व्यक्ति से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि कई लोग अस्थियां ले जाना भूल जाते हैं तो कोई पारिवारिक विवाद के चलते वहां सालों बाद आते हैं, लेकिन इस आपदा भरे दौर में बीमारी के डर से भी कई लोग अस्थियां लेने नहीं आ रहे हैं। उनका मानना है कि बीमारी के चले जाने के बाद ही इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा, इस कारण से कई लोग इन अस्थियों को लेने नहीं आए हैं, जिसके कारण अस्थि सभागृह में करीबन 500 से 800 अस्थियां रखी हुई है। और कईयों का मानना है कि लॉकडाउन के बाद पूरी विधि विधान से अस्थि विसर्जन किया जाएगा, इसी कारण से यहां अस्थियां रखी हुई हैं। मेरा नाम शिवनारायण भावसार है। बाबूजी कहां पर आप कार्यरत है? मैं पंचकुइया मुख्य धाम पे हूं। तो बाबूजी यहां पर अस्थियां हैं, किस प्रकार से आप देते हैं और किस प्रकार से कितनी अस्थियां हैं? ये इनके परिवहन जैसे वहां से दूसरा तीसरा करके या डब्बे में लाते हैं नाम पता लिख के, और उनको हम हमारे रजिस्टर में भी नाम पता लिख के और यहाँ लटकाते हैं। कोविड के चलते अभी कोई आया कि नहीं यहाँ पर लेने? हाँ, ये लिखा हुआ रहता ना हमारे पास। नहीं, किसी को डर है इसमें कोविड के चलते? नहीं नहीं, कोई नहीं है। अस्थियाँ लेना है, 400-500 अस्थियाँ टन रही है। हाँ, हम संभाल के रखते हैं ना। अच्छा, क्या कारण है लोग क्यों नहीं आए अस्थि लेने? अब ये कह रहते हैं जैसे भूल भी जाते हैं, पैसा कौड़ी रहता है तो पैसा कौड़ी रहता है, जब तक भूल जाते, जब याद आती खत्म होता है, विवाद होते हैं बच्चे और घर में तो यादें आती है इनको कि अपने पिताजी के फूल पड़े, अपन ने ऐसा करा कुछ, फिर चलते हैं ये वहाँ से। अच्छा अच्छा, आप ऐसे किन लोगों को क्या सूचना देना चाहते हैं जिनकी अस्थियां जो लेके नहीं गए हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, हम तो बोलते ही ना, हमारे को पड़े के नहीं, जब तक ये भले 2 साल नहीं आते हम तो बोलते पड़े रहते हैं। कितना टाइम तक आप संभाल कर रखते हैं इनको? अभी तो इनके ऊपर वही है तो सालों से पड़ी है, 15-15 साल। इसमें बीमारी की कितनी तो बीमारी की है समझ लो, बीमारी ज़्यादा है ये डब्बे वालों या खाली जो पैक करके जाते हो रख जाते हैं। हाँ, अभी इसमें पता नहीं चलता है कि कौन बीमारी का क्या है। हाँ, नाम पते बेस लिखे रहते हैं, उस पर लिखते नहीं कि बीमारी की। दादा आपका नाम और आप कहाँ पे मुक्ति धाम पे? मैं यहाँ पंचकुइया मुक्ति धाम में हूँ, मेरा 26 साल हो गए यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम शिवनारायण भावसार है। खैर मामला कुछ भी हो, लेकिन यहाँ अस्थियों की बढ़ती संख्या भी एक चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके कारण मुक्तिधाम में संचालकों को आने वाले दिनों में अस्थियों को रखरखाव के लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ सकती है। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।